मुल्तान सुल्तान्स के बॉलर्स की जबरदस्त परफॉर्मेंस कराची में पिशावर जलमी के खिलाफ 154 रन का टारगेट डिफेंड किया, विच इज द लोएस्ट टारगेट डिफेंडेड बाय एनी टीम इन दिस पीएसएल। मुल्तान की कामयाबी की वजह थी उनके एक्सपीरियंस बॉलर सोहेल तनवीर की परफॉर्मेंस, 3 आउट किए उन्होंने और स्टैट ऑफ द डे आज इसी के ऊपर है। सोहेल तनवीर दुनिया के तीसरे फास्ट बॉलर हैं आफ्टर ड्वेन ब्रावो एंड लैसिथ मलिंगा, जिन्होंने T20 क्रिकेट में 350 विकेट्स ली हैं। एक और जो इस मैच में इंटरेस्टिंग चीज़ सामने आई वो वहाब रियाज का नंबर 3 के ऊपर आगे बैटिंग करना था। ये काफ़ी एक अनयूजुअल मूव थी, लेकिन इससे पहले अगर हम देखें तो वहाब रियाज ने काफ़ी सक्सेस के साथ नंबर 3 के ऊपर बैटिंग की हुई है। डर्बी शहर के लिए वो नंबर 3 के ऊपर आए थे और उन्होंने 50 किया था और 240 भी हैं उनके। और अगर हम इस मैच से पहले उनकी नंबर 3 के ऊपर एवरेज देखें तो वो 30 की थी और स्ट्राइक रेट 140 का था। तो ये पहले भी वहाब रियाज इस पोजीशन के ऊपर बैटिंग कर चुके हैं, लेकिन आज जो टारगेट है वो कि बहुत ज़्यादा नहीं था। और हैदर अली ने पिछले मैच में 69 रन की इनिंग्स खेली थी, उसके बावजूद वहाब का नंबर 3 के ऊपर आना ये थोड़ी सी एक अनयूजुअल मूव थी। और मेरा ख्याल है कि इसने पिशावर को कॉस्ट भी किया, सिर्फ 3 रन से पिशावर मैच हार गया। पिशावर ने इस टूर्नामेंट में अपने सब मैचेस कंप्लीट कर ली हैं, लेकिन सेमीफाइनल्स में वो अभी भी जा सकते हैं। काफ़ी सिनेरियोज हैं जिनमें पिशावर जलमी अभी भी सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर सकता है, लेकिन जो इनके लिए बेस्ट सिनेरियो होगा वो ये है कि क्वेटा, लाहौर और इस्लामाबाद, इन तीनों का एक एक मैच बाकी है। इन तीनों टीम्स में से अगर दो टीम्स भी अपना आखिरी मैच हार जाती हैं तो पिशावर सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर जाएगा। सिर्फ 3 ग्रुप मैचेस रह गए हैं इस पीएसएल में और अभी तक सिर्फ एक टीम ने सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई की है और वो है मुल्तान सुल्तान। आने वाले जो दिन हैं उनमें ये जो 3 मैचेस हैं ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होंगे।